हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबों का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सारे लोग अच्छे होंगे और एंजल की तरफ से आप लोगों को हाय है। तो गाइस, ठंड का मौसम है, रांची में काफ़ी ज़्यादा ठंड है और आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। और हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया, शादी वगैरह सब अटेंड किए, बहुत मज़ा आया। आप लोगों ने वीडियोज़ वगैरह भी देखा होगा और आप लोग इन्जॉय भी किए होंगे। तो आज जो है ना वो थोड़ा सनी डे है, बहुत दिन के बाद में धूप देखने को मिला है क्योंकि मौसम ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो जिसके कारण से ठंड बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी, लेकिन आज थोड़ा सा ठीक है। और आज बस हम लोग कुछ कुछ लेकर के आए हैं आप लोगों के साथ में। आज जैसे पास में जो है ना यहाँ पर वो है मुनगा की साग। कितने को आप लोग खाते हैं इसे? अच्छा, मुनगा की फूल है, साग नहीं है, सॉरी। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहजन, सहजन का नाम से जानते हैं हम लोग। तो आप लोग किस किस नाम से जानते हैं? जिसको हम लोग इंग्लिश में ड्रमस्टिक कहते हैं ना, ड्रमस्टिक के जो फ्लावर्स होते हैं ना उसको खाया जाता है। तो कितने को आप लोग खाते हैं और कितने को अच्छा लगता है ये ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। और फैमिली क्या करती है, क्या कर रही है, उसे आप लोग भी खाते हैं। इधर देखिए मैडम जी को हो रहा है एकदम सुबह सुबह। हम लोग के पास में जगह थोड़ा सा कम होने के कारण से हम लोग यही स्पेस में कपड़ा सब ऐसे सुखा देते हैं शेयर में। और फैमिली को सुबह सुबह कपड़ा धुलवा रहे हैं क्योंकि हमारी हाथों में लग गई है चोट। देखिए गिर गई ना। और उधर देखिए एक ठो एंजल को गिर गई है। हाथ गंदा हो गया, गंदा हो गया, छिछी हो गया। आओ उसे छोड़ दो, छोड़ दो उसे। आओ हैंड धो दो कर देंगे। देखो देखो तुम्हारा हैंड गंदा हो गया ना, इसलिए पापा मना करता है, मम्मी भी मना करती है। कोई बात नहीं, चलो धो दो कर देंगे। इसको देखिए, ये जो छोटा सा बकेट है ना, इस बकेट में हम सोच रहे थे कि ये फ्लावर्स को चुन लें, बट ये मैडम देने को तैयार नहीं है। गिव मी बेटा, गिव इट टू मी। और वो हाथ धो ली, और धोने के बाद में मम्मी का पूरा सॉल में पोछ रही है ना। देखिए इसको राउंड एंड राउंड। हाथी आया, कहाँ हाथी आया? वन टू बोलो, वन टू। आराम से खड़ा होके, खड़ा होके, खड़ा होके सुनाइए सब कोई को। इधर 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 बेटा इधर, जल्दी। क्लैपिंग, क्लैप 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 क्लैप। देखिए एंजल ने आप लोगों को 1 से 10 तक सुना दिया है, तो इसके लिए तो एक लाइक बनता है और कमेंट भी करके बताइए, हमें भी मज़ा आएगा। तो इसे हम धोने देते हैं, हम ले करके आते हैं दूसरा बकेट क्योंकि ये हमें करने नहीं देगी। घूमने में मज़ा आता है ना, उसके बाद उतना ही मज़ा कपड़ा धोने में भी आता है। धो रहे हैं परसों से कपड़े नहीं। नो बेटा, सुबह को दो ब्लैंकेट धोए, फिर अभी सोचे चलो इस सबको, ये ब्लैंकेट सभी हम लोग का गंदा हो गया था ना, इसे भी धोना जरूरी था। ये सबको रगड़ देते हैं धूप में बैठ के, फिर क्योंकि स्कूल खुल जाने के बाद में तो एंजल धोने देगी नहीं ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो फिर हम उधर बिजी हो जाएंगे। आई है मुझे बुलाने के लिए, मैं दूसरा बकेट लेकर के आया हूँ जिसमें मैं साग को चुन सकता हूँ, बट ये खुद ले जाना चाहती है। मम्मा गिव इट, मम्मा गिव इट टू मी। वो देना नहीं चाहती है, उसे दूसरा भी चाहिए। मम्मा गिव वन बकेट टू मी, गिव इट बेटा। वो देना नहीं चाहती है, इसे चुपचाप से लेना पड़ेगा। तो ये देखिए जो ड्रम स्टिक का फ्लावर्स है ना, वो ऐसा दिखता है। एंजल मेरा मदद कर रही है। एंजल आर यू हेल्पिंग मी? यस यस, एंजल इज हेल्पिंग मी, वेरी गुड वेरी गुड। चुनना है उसे, हाँ फ्लावर्स को चुनना है, इसमें रखना है, इसमें रखना है, ठीक है। देखिए वो मुझे मदद कर रही है। देखिए मम्मी को कोई मदद नहीं कर रहा है। आंसू पोछ दो बेटा, बेटा आंसू पोछ दो, आंसू पोछ दो, आंसू पोछ दो, आंसू पोछ दो। देखिए एंजल आंसू पोछ दे रही है। देखिए ऐसा अच्छे से पोछ दो बेटा, अच्छे से। मम्मा को चुप चुप बोलो, मम्मी चुप चुप। और देखिए नोज में चुप चुप, मम्मा को अच्छे से चुप 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 चुप। गाइस देखिए हम लोग ना दुआ करके खा पी करके रेडी हो गए हैं ना। एंजल मम्मा खाई,
मम्मम। हाँ एंजल मम्मम खा ली। मम्मम खाई ना? खाई हाँ खाए। तो हम लोग दोनों नहा लिए, एंजल के पापा नहाने गए हैं और हम नहा करके एंजल को पहले जल्दी जल्दी खिला दिए, फिर मम्मा खा ली। हाँ अभी पापा आएंगे तो पापा खाएंगे ना एंजल, है ना? हाँ। हेलो हेलो गाइस नहीं बोलेगी? नहीं, हेलो कर दो। ये ना बदमाश होते जा रही है, बमोश छोटू जो रही बमोश। तो जो सहजन का फूल सुबह आप लोगों को दिखाए थे वो सब्जी बन गया और बहुत ही टेस्टी बना है और हमको इतना पसंद है ना, हमको बचपन से ही बहुत पसंद था। जब भी हम देखते थे ना मार्केट में, तो या तो जब बड़े हो गए थे हम ले करके जाते थे या मम्मी को बोलते थे लेने के लिए, और मम्मी इतना टेस्टी बनाती थी। तो वही जो तरीका से मम्मी बनाती है वैसे ही हम बनाते, बाकी लोग कैसे बनाते पता नहीं, पर हम आलू उलू डाल के सरसों डाल के बनाते हैं मम्मी, जो झाल झाल जो मस्त लगता है ना। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कैसे बना है। तो देखिए ये है हमारा सब्जी, थोड़ा ड्राई ड्राई ही अच्छा लगता है, तो एकदम भर भर के टमाटर डाले हैं तो जिससे टेस्ट और अच्छा आया। और यहाँ बना है दाल चावल, और सुबह टमाटर का चटनी बनाए थे तो वो था, तो दाल चावल चटनी सब्जी, मज़ा आ गया। मज़ा आया ना एंजल? मज़ा। हाँ टंग दिखाओ एंजल, टीथ टीथ, नोज आइज, नो आइज 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 रे आइज आइज। अच्छा चुप, लिप का लिप लिप। अब चलिए फिर एंजल अभी क्या करेगी, नीनू करेगी? नींद आ रहा है? अच्छा नींद आ रहा है। हम लोग का तो शादी वादी सब खत्म हो गया और कहीं घूम करके आ, उसके बाद इतना सारा काम हो जाता है कि कहना नहीं। अभी उतना कपड़ा को धो करके सब खत्म किए हैं, अभी उसे को सारा को सरियाना है, आयरन करना है, क्या करे पता है। गाइस तो देखिए इतना सारा कपड़ा, यहाँ आधा हैंगर में, यहाँ दोनों चेयर में, यहाँ टब में, पता नहीं हम कब इतना को सरिया करके कंप्लीट करने सकेंगे। तो गाइस अभी जाएंगे छत, तो चलिए आप लोग को बहुत दिन से छत का छत में नहीं लेके चले हैं। इधर मम्मी मम्मी चिल्ला रही है, कहाँ हो कहाँ हो, नहीं दिख रही है, ए जो। तो चलिए वहाँ पर जैकेट सब सुबह डाल दिए थे तब तक तो लगता है सूख गया होगा, तो वो सबको लेके आएंगे। आ गए हम छत में तो पूरा थक गए, और इधर बड़ा सा बिल्डिंग बन रहा है, इधर तो लगता है मेरा जैकेट सब सूख गया है, थक गए पूरा। आदत नहीं है ना इसलिए ऊपर आते नहीं हैं जल्दी, आए तो पूरा थक गए। ये लो बिल्डिंग इतना ऊपर तक बन गया है, उस समय जब टूट रहा था तो आप लोगों को दिखाए थे, पता नहीं आप लोग कितना को याद होगा। वो नीचे तक, नीचे हम लोग का वो गली है तो नीचे तक बना है पूरा नीचे तक। और यहाँ मेरा सारा कपड़ा सूख गया है, जैकेट सब, तो चलिए लेके चलते हैं नीचे। हम आ गए ऊपर से, नीचे ठंडा जितना लग रहा ऊपर उतना तेज धूप है, एकदम गए तो एकदम गरम गरम लगा। और जल्दी आ गए, सोचे तो थोड़ा देर धूप में रहेंगे, लेकिन सुनाई दे रहा था एंजल नीचे मम्मी मम्मी बुला रही थी, तो इसीलिए जल्दी आ गए। और पूरा बाजार लग गया मेरा, धोबी घाट बन गया है मेरा घर, धोबी घाट। तो गाइस हम लोगों का लंच वगैरह सब हो गया, आप लोगों ने देख लिया, जैसे हमने छत गई थी कपड़ा वपड़ा सब लेकर के आ गई, और मैं था नीचे में पर पेपर करेक्शन के लिए मैं बैठा हुआ हूँ
और इतना ज़्यादा ठंड है ना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। और इधर फैमिली को देखिए वो क्या कर रही है, फोन चला रही है मैडम। एंजल को सुला रहे थे, वो सो गई तो अब, और मेरा पैर ठंडा से एकदम वो नस टनाने लग गया था, तो लास्ट में फिर हम को तेल लगा दिए समीर जी, तो हम कंबल उम्बल ढाँप के आराम से बैठ गए। देख रहे ना तो सोल, बाप रे ठंड, आप लोग भी बच के रहिए, वो घर से बाहर मत निकले, घर के अंदर ही इतना ठंड है। और हॉट वाटर बैग में गर्म पानी डाल के समीर जी अपना पीठ सेक रहे, फिर वो सेक लेंगे तो हम फिर अपना पैर को सेकेंगे। बहुत ज़्यादा कम कम गैस, बहुत ज़्यादा ठंड है और मेरे पास में इधर हॉट वाटर बैग है जिसको मैंने अपने चेयर में रखा इधर पीछे इधर में। बहुत ज़्यादा ठंड के कारण से लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा एकदम गजब वाला फील है। तो हॉट वाटर बैग जो है ना वो थोड़ा सा सुकून दे रहा, क्या रिलैक्स है। तो ठंड से बच के रहना है ना, नहीं तो तबीयत ख़राब हो गई तो फिर हो गया, लेना के देना पड़ जाएगा। तो गाइज आप लोग अपना ध्यान रखिए, सारा जो कपड़ा इतना सारा आप लोग देखे थे सारा देखिए यहाँ क्लीन कर लिए हैं। और ये हैंगर वाला है जो आयरन करना है, इसीलिए यहाँ रख दिए हैं। तो मेरा सारा काम फिनिश हो गया और अभी बज रहे रात के 9, तो हम लोग का डिनर विनर भी हो गया, सारा काम हो गया। तो फिर कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ काम कर रहे, थोड़ा कपड़ा सरिया रहे तो ऐसे कर रहे थे। और यहाँ देखिए टब में भी पूरा हम फोल्ड कर करके रख दिए हैं, जो आयरन करना उसको आयरन करेंगे, जिसको कबर्ड में डालना है उसको कबर्ड में डालेंगे। तो वहाँ बैठ करके समीर जी को प्रिकर्शन कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ कबर्ड अलमारी खोलने नहीं बन रहा, इसीलिए हम यहीं रख दिए। तो कल नहीं तो हम डाल देंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज का ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, टाटा बाय बाय।